हे दोस्तों, हिंदी रिव्यू चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है साहिद और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की आने वाली कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिसमें कलाकारों के डबल रोल होंगे। डबल रोल का फॉर्मूला बॉलीवुड में हमेशा सक्सेसफुल रहता है, इसीलिए बॉलीवुड हमेशा डबल रोल पर फिल्में बनाते रहता है। तो आने वाले समय भी हमें बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में देखने को मिलेंगी जिसमें कलाकारों के डबल रोल होंगे, तो आज हम उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 मच अवेटेड बॉलीवुड डबल रोल मूवीज इन 2020-21 के बारे में। तो अगर आपको भी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, रूही अफजाना। राजकुमार राव, जानवी कपूर और वरुण शर्मा की आने वाली ये फिल्म हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी जिसे हार्दिक मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में जानवी कपूर हमें डबल रोल में नजर आएंगी जिसमें उनका नाम रूही अरोड़ा और अफजाना बेदी होगा। फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म होने वाली है और बहुत ही जल्द इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर आने वाला है जिसे इसी साल जून में रिलीज किया जाएगा। नंबर 4, थाडम रीमेक। जब थाडम ब्लॉकबस्टर हुई थी तभी ही टी सीरीज ने इस फिल्म के हिंदी रीमेक राइट खरीद लिए थे, लेकिन ये अनाउंस नहीं हुआ था कि इस फिल्म में लीड एक्टर कौन होगा। पर फाइनली सिद्धार्थ मल्होत्रा को इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया है। सिद्धार्थ ने जिस हिसाब से इत्तेफाक और एक विलन में एक्टिंग की थी उससे तो साफ है कि इस फिल्म में भी वो काफी अच्छी एक्टिंग करेंगे, खास करके तब जब डबल रोल हो। जी हाँ, जिस तरह से थाडम में अरुण विजय के डबल रोल थे ठीक उसी तरह से सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हमें इस फिल्म में डबल रोल में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग मई से स्टार्ट होगी और इस फिल्म को नवंबर में रिलीज किया जाएगा। वैसे अगर आप थाडम फिल्म हिंदी में देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर 3, शमशेरा। 2018 में ही इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ एक छोटा सा टीजर लॉन्च किया गया था, तभी से ही लोग इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन 2018 में ही ये बता दिया गया था कि ये फिल्म काफी बड़ी है जिसे 2020 में रिलीज किया जाएगा, लेकिन फिल्म से जुड़ा कोई भी अपडेट नहीं आया है, सिर्फ इस फोटो को छोड़ के जहां हम रणबीर कपूर को कुछ लोगों के साथ काफी पुराने लुक में देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं आया है। फिल्म ब्रिटिश इंडिया के टाइम की है जिसमें रणबीर कपूर डबल रोल में नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब रणबीर कपूर किसी फिल्म में डबल रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग इन दिनों चल रही है जिसे जुलाई में रिलीज किया जाएगा। नंबर 2, शेरशाह। कारगिल हीरो विक्रम बत्रा की जिंदगी पर बन रही इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में नजर आएंगे जिसमें वो विक्रम बत्रा का रोल प्ले करेंगे और साथ ही विशाल बत्रा का भी। कारगिल के ये हीरो विक्रम बत्रा और विशाल बत्रा दोनों जुड़वा भाई थे और हूबहू दिखते थे, इसीलिए दोनों रोल खुद सिद्धार्थ मल्होत्रा ही प्ले करेंगे। फिल्म को विष्णुवर्धन डायरेक्ट कर रहे हैं जिनकी ये पहली हिंदी फिल्म होगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ इस फिल्म में कियारा आडवाणी भी नजर आएंगी। ये फिल्म भी जुलाई में रिलीज होगी। नंबर 1, क्रिस 4। जी हाँ, इस लिस्ट में क्रिस 4 भी है जिसको लेकर 2017 में ही अनाउंस हो गया था कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन ही हीरो और विलन दोनों का रोल प्ले करेंगे, मतलब कि डबल रोल, एक सुपर हीरो और एक सुपर विलन। लेकिन ये फिल्म कब रिलीज होगी अभी तक किसी को भी पता नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा गया था कि क्रिस 4 की शूटिंग 2018 में स्टार्ट हो जाएगी और ये फिल्म 2020 क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी, लेकिन लगता है कि अभी इस फिल्म के लिए एक साल और रुकना पड़ेगा क्योंकि फिल्म पर अभी तक काम नहीं चालू हो पाया है। पर शायद इस साल के एंड तक क्रिस 4 की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये फिल्म हमें 2021 में देखने को मिलेगी। तो आप क्रिस 4 को लेकर कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के आने वाली डबल रोल फिल्में। वैसे इन फिल्मों में से आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।